अपने किशन लाल को तो वापस नहीं ला सकते। अपना यहां आज इकट्ठा होने का एक ही उद्देश्य था, उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिले, परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा मिले, अपराधियों की गिरफ्तारी हो। यहां सब लोग जो आए हैं किशन लाल के परिवार को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। जो अभी तक की कार्रवाई हुई, मैं आप सब लोगों के सामने निवेदन करता हूं, पुलिस में FIR दर्ज हो चुकी है, पुलिस टीम अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए रवाना हो चुकी है। अभी हम SDM साहब से 3 सूत्री मांग को लेकर मिले हैं, SDM साहब कलेक्टर साहब को भेज रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी की तरफ से जो आश्वासन आता है SDM साहब कुछ देर में आपके समक्ष आके बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी लगने की संभावना है, जो SDM साहब से अभी वार्ता हुई है। दूसरा, यहां पधारे हुए मैं सभी मेरे युवा साथियों से और पिता तुल्य बुजुर्गों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि किशन लाल की पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिससे जो सहयोग हो सभी से मेरा आग्रह है करें। मैं मेरी तरफ से किशन लाल के परिवार को, उसके भाई जो उसके साथ रहता है, उसको 2 लाख रुपए देता हूं।